नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो 6 जनवरी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच एक जबरदस्त सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज का क्या शेड्यूल रहेगा, इस सीरीज में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे, मैचों की टाइमिंग क्या होगी, मैचेस कौन से वेन्यूज पर खेले जाएंगे। इसके अलावा इस सीरीज के लिए श्रीलंका और जिम्बाब्वे दोनों टीमों का क्या स्क्वाड रहेगा, और आप इस सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो इस एक वीडियो में आपको इस सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय जिम्बाब्वे की टीम श्रीलंका के दौरे पर है, और इस दौरे पर श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच सबसे पहले 3 मैचों की एक वनडे सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद इन दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक T20 सीरीज भी होगी, जबकि इस दौरे पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेली जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज के शेड्यूल की बात कर लें, तो पहला वनडे मैच होगा 6 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, जबकि दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा 8 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, और वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच होगा 11 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। बात कर लें टाइमिंग्स की, तो ये तीनों वनडे मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2:30 बजे से, यानी कि 2:30 PM से स्टार्ट होंगे। वनडे सीरीज के बाद इन दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक शानदार T20 सीरीज भी खेली जाएगी, जिसका पहला T20 इंटरनेशनल मैच होगा 14 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, जबकि दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 16 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, और T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच होगा 18 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। बात कर लें टाइमिंग्स की, तो ये तीनों T20 इंटरनेशनल मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से, यानी कि 7 PM से स्टार्ट होंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस वनडे और T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले जिम्बाब्वे के स्क्वाड की बात कर लें, तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने वनडे सीरीज के लिए 15 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, जो कि इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के तौर पर आपको नजर आएंगे क्रेग एरवाइन, इसके अलावा होंगे फराज अकरम, रियान बुल, जॉयलॉर्ड गुम्बी, ल्यूक जोंगवे, तगु बनाशे काइटानो, तिनाशे कमुनुखाम्वे, क्लाइव मडांडे, वेलिंगटन मसाकाजा, टापिवा मुफुज्जा, टोनी मोनियोंगा, ब्लेसिंग मुजारबानी, रिचर्ड नगारवा, सिकंदर रजा और मिल्टन शुम्बा। तो वहीं T20 सीरीज के लिए भी जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने 15 मेंबर्स का ही स्क्वाड अनाउंस किया है, जो कि इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के तौर पर आपको नजर आएंगे सिकंदर रजा, इसके अलावा होंगे ब्रायन बेनेट, रियान बुल, क्रेग एरवाइन, जॉयलॉर्ड गुम्बी, ल्यूक जोंगवे, तिनाशे कमुनुखाम्वे, क्लाइव मडांडे, वेलिंगटन मसाकाजा, कार्ल मुम्बा, टोनी मोनियोंगा, ब्लेसिंग मुजारबानी, एंसले नेड लोवू, रिचर्ड नगारवा और मिल्टन शुम्बा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली वनडे और T20 सीरीज के लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका का वनडे और T20 स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं किया है। हालांकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस वनडे और T20 सीरीज के लिए श्रीलंका के नए कप्तानों की घोषणा कर दी है, जहां जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में श्रीलंका की कप्तानी कुशल मेंडिस करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं T20 सीरीज में श्रीलंका के नए कप्तान वानिंदु हसरंगा होंगे। तो श्रीलंका का स्क्वाड बहुत ही जल्द अनाउंस किया जाएगा, जैसे ही श्रीलंका का वनडे और T20 स्क्वाड अनाउंस होगा आपको सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस वनडे और T20 सीरीज की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट की बात कर लें, तो इंडिया में इस वनडे और T20 सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है,
जहां पर आप टीवी में इस वनडे और टी20 सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स 105 चैनल और सोनी स्पोर्ट्स 105 HD चैनल की मदद से एंजॉय कर पाओगे। वहीं अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर लें तो इंडिया में आप सोनी लिव एप्लीकेशन की मदद से भी इस वनडे और टी20 सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल फोन में एंजॉय कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये रही श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप इस वनडे और टी20 सीरीज के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये वनडे और टी20 सीरीज जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।